पड़ोसी मुल्कों चीन और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों पर पहले से भी ज्यादा पैनी और सटीक नजर रखने के लिए अब इंडियन आर्मी ने अपने लेटेस्ट हेरॉन मार्क टू ड्रोन को अपनी जासूसी बेड़े में शामिल कर लिया है। इस ड्रोन के भारतीय सेना में शामिल होने के साथ ही भारतीय सेना के रक्षा तंत्र को खासी मजबूती मिली है। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने श्रीनगर एयरबेस पर MiG-29 विमान तैनात किए थे। वहीं अब उत्तरी क्षेत्र में एक फॉरवर्ड एयरबेस पर इसराइल में बने हेरॉन ड्रोन मार्क टू को भी तैनात किया गया है। इनमें लंबी दूरी की मिसाइल और अन्य हथियार लगाए गए हैं। इसके अलावा इसराइल के बने हेरॉन मार्क टू ड्रोन से एक ही उड़ान में चीन और पाकिस्तान से जुड़े इलाकों पर नजर भी रखी जा सकती है। वजह यह है कि एक बार पूरा ईंधन भरने पर यह हेरॉन मार्क टू ड्रोन लंबे समय तक उड़ान भर सकते हैं। यानी बेहतरीन मारक क्षमता के साथ ये ड्रोन सीमाओं पर कड़ी निगरानी करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। हेरॉन मार्क टू इज अ वेरी कैपेबल ड्रोन। दिस इज कैपेबल ऑफ लॉन्गर एंड्योरेंस एंड बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट कैपेबिलिटी। विद दिस एंटायर कंट्री कैन बी सर्वेल्ड फ्रॉम द सेम प्लेस। इस ड्रोन की खासियतों की बात करें तो ये लगातार लंबी दूरी पर लगभग 36 घंटों तक काम कर सकता है। इसके अलावा फाइटर प्लेन को मदद के लिए लंबी दूरी से दुश्मन के लक्ष्यों को लेजर से टारगेट कर सकता है। यही नहीं, इसकी मदद से पूरे देश की एक ही जगह से निगरानी की जा सकती है। ये ड्रोन एडवांस्ड एवियोनिक्स और इंजनों से लैस है। ये किसी भी मौसम और दुर्गम इलाके में काम कर सकता है। साथ ही ये ड्रोन कई तरह के हथियारों, यहाँ तक कि एयर मिसाइल और विभिन्न प्रकार के एंटी टैंक हथियारों से भी लैस हो सकते हैं। गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना अब मेक इन इंडिया अभियान के तहत अपने प्रोजेक्ट चीता को आगे बढ़ाने की बड़ी योजना बना रही है। इसके लिए भारतीय रक्षा निर्माता इजरायली हेरॉन ड्रोन को बेहतरीन और बेजोड़ स्ट्राइक क्षमताओं से लैस करेंगे। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी बड़ी और अहम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाएं ताकि चैनल से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक वक्त से पहुंच पाएं।